मैं हूँ काय, टीम स्टैक्स का लीडर। कई योद्धाओं के नाते हम दुनिया भर में भ्रमण करते हैं इस विश्व की प्राण ऊर्जा की तलाश में। सिर्फ हम ही हैं जो इस पृथ्वी को बचा सकते हैं लोकर की बुरी शक्तियों से। कायरों को जरूरत होती है बहुत सारे एक्स्ट्रास की, जो हमें देता है शक्तिशाली अटैक और काबिलियत, जो हमें अनोखे मॉन्स्टर्स में बदल सकता है। जो कोई कायरों को हासिल कर ले वो बन सकता है एक शक्तिशाली रणकाय। मेरा नाम है काय, मैं कायरू योद्धा हूँ। मेरा लक्ष्य है कायरों पर विजय हासिल करना। ये सब तब शुरू हुआ जब मास्टर बुडाई ने काय को शैडो कायरू के बारे में इस दुनिया से मिटा देने वाला रहस्य बताया। इसीलिए मैं तुरंत निकल पड़ा उसे खोजने के लिए, और कुछ ही देर में पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि इस काम में मेरे साथ एक योन भी है। अगर कायरू क्यूब के मुकाबले में हमें हिस्सा ना लेना होता तो मैं और माया भी जाते। हमने पहले राउंड में टीम इम्पीरियस को बहुत अच्छी तरह से हराया था, पर अब हमें रेडी कोर को हराना है और दांव पे बहुत कुछ है। हाँ, अगर हम मास्टर बी का ड्रैगन जीत गए तो वो फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। करने से ज्यादा कहना आसान है, क्योंकि लोकार मुकाबले को रोकने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं शैडो कायरू का एंटीडोट नहीं खोज लेता तो इस मुकाबले का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ धरती का अंत होने वाला है। वाह, ये बहुत ही जबरदस्त था, और मुझे लगता है कि ये तो बस शुरुआत है। याद है मास्टर बुडाई ने क्या कहा था काय? ये हमारे जिंदगी की सबसे कठिन खोज है, हमें ख्याल रखना होगा। कोशिश करूंगा, पर जब बात कायरू की आती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। मेरा कायरू क्यूब किसने चुराया? कायरू क्यूब? मैं उसे क्यों चुराऊंगी, वो तो मेरे किसी ड्रेस से मैच भी नहीं करता है। खामोश। जिन, तुमने चुराया होगा ताकि मेरे जैसे शक्तिशाली बन सको। मैंने नहीं मास्टर, सच्ची। पिछला मुकाबला याद है ना, मैं तो पीछे हट गया था क्योंकि मैं आपका आदर करता हूँ। तो तुम तीनों ने क्या सोचा, तुम लोग ऐसे निकल जाओगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा? वो सर, मास्टर, वो क्या है ना, हम बस साबित करना चाहते थे कि हम आपकी बेस्ट टीम है। हाँ, हमारे इरादे नेक थे मास्टर। तुम्हारे इरादे खुदगर्ज थे, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को, जिसने तुम्हें बनाया उसी को धोखा दिया। क्या लोकार ने कहा कि हैबराक्स को उसने बनाया? यही सही वक्त है यहाँ से भाग जाने का भाइयों। हाँ हाँ, चलो। देखना चाहती हूँ कि कई लोकार ने मुझे तो नहीं बनाया। तुमने सच में कर दिया। रुको, इतने दिनों से ये हमें धोखा दे रहे थे, अगर मुझे पता होता तो मैं इन्हें छोड़ता ही नहीं। ये तुम सबके लिए एक सबक है, मेरी अच्छाई की परीक्षा मत लो, क्योंकि मैं किसी को मिटाने के लिए हिचकिचाऊंगा नहीं। अपने योद्धाओं से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। अपने तरीके अपने पास रखो बुडाई, मेरे योद्धा मेरी मर्जी। अब मुझे मेरा कायरू क्यूब वापस कर दो, वो भी एक्स राइफल हुडियन के साथ। मैंने उसे जीता था और अब सिर्फ मेरा हक है उस पर। काफी हद तक नहीं, ये मुकाबला शुरू हो चुका है, और ये हमारी गलती नहीं है कि तुमने अपने योद्धाओं को तमीज नहीं सिखाई है। मुकाबला अभी बाकी है, आखिरी राउंड होगा टीम स्टैक्स और टीम रेडिकोर के बीच। ठीक है, मैं मुकाबले के लिए बहुत उतावला हूँ। इम्पीरियस को हराना आसान है, पर रेडिकोर को हराना इतना आसान काम नहीं है। हमें उन्हें हराना ही होगा, बस हमारा मकसद याद रखो माया, हमें मास्टर बी की शक्ति और उनका ड्रैगन वापस लाना ही होगा। हो सकता है, क्या पता, शायद हमने कोई गलत मोड़ ले लिया हो। पर इसके सिवाय और कोई मोड़ नहीं था, हम सीधे सीधे तो आए हैं, और इस गुफा से रोशनी आते हुए हम दोनों ने देखा है। क्यों ना हम पीछे जाकर अपनी तसल्ली के लिए फिर से चेक करें? बिल्कुल नहीं, प्रिज्म कायरू यही है, मैं जानता हूँ। सही कह रहे हो काय, सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये बहुत ही शक्तिशाली है और हमारे सिर के ऊपर ही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें वहाँ जाना होगा।
और जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। चलो काय, मुझे यहाँ कुछ नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नीचे वाली जमीन खिसक गई है। देखो वहाँ एक रास्ता है, चलो। वाव, लाजवाब। अब वक्त है उस प्रिज्म कायरो को खोजने का। वाओ, क्या तुमने ये देखा काय? हाँ, तुमने अब तक सोच लिया होगा इन सब का क्या करना है, वो भी ध्यान से। हाँ, मैं प्रिज्म कायरो का रक्षक हूँ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो तुम्हारा तीसरा दोस्त कहाँ है? काय को इतना डर लग रहा है कि वो डर कर भाग गया। हाँ, वैसे काय गया कहाँ है? काय को इसके अलावा और भी बहुत जरूरी काम है, समझे तुम? अब पूरे दिन बात ही करोगे या हमसे लड़ोगे भी? अच्छा, ये बर्फ तुम दोनों को भाग जाने से रोकेगी। तैयार हो जाओ, शायद ज़ेन हम पर करने वाला है रेड अटैक। तुम्हारे लिए ये पावर सर्ज वाला अटैक। मुझे नहीं लगा था ये ब्लू अटैक करेगा। इसे कहते हैं जीनियस का अटैक। जो हो गया सो हो गया, अब मेरी बारी। टाइटल फोर्स। उन्होंने कमजोर कर दिया है, अब चलो उन्हें खत्म करें। आइस वेव। कहाँ गई वो? हे, मुझे ढूंढ रहे हो? अब तुम्हारी बारी बैंगलोर। मैं यही सुनने का इंतजार कर रहा था। साइक्लोन स्टेयर। माया, उमर, संभल कर। रुको ये डॉग, उन्होंने अभी हार नहीं मानी है। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम प्रिज्म कायरो लेने आए हैं ताकि लोकार को रोक सके और इस धरती को बचा सके। प्रिज्म कायरो मेरा है और तुम ये नहीं ले सकते हो। संभल कर। इन बातों से कुछ भी नहीं होने वाला काय, अगर हमें वो प्रिज्म कायरो चाहिए तो हमें लड़ना होगा। सही कहा है केयान, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मेटानॉइड। प्लाज्मा टॉर्नेडो। उठो माया, हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। ठीक है, हमारे पास जीतने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो बड़े बन जाए। ये क्या? इससे तो कुछ भी नहीं हो पाया। शैडो स्वॉर्म। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। सही क्लेंजिंग स्ट्राइक, राइटियस लाइट, राइटियस स्ट्राइक। मेरा ब्लूटेरॉन कहाँ गया?
कमाल कर दिया बूमा, अब एक और शक्तिशाली अटैक जिससे उठ ना पाए कुछ देर के लिए। और विजेता है टीम स्टैग। बहुत बढ़िया बूमा, ये एक टीम वर्क था, पर तुम्हारी वजह से हम जीते। नहीं, जीत के हकदार हम दोनों हैं माया, और अब मास्टर बी को वापस मिलेगा उनका पलूडियन। जाओ मेरे पुराने हमदम। अरे वाह, आप तो फिर से पहले की तरह हो गए हो मास्टर बी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बूमर, मुझे लगता है ये तुम दोनों की वजह से हुआ। ये हमारी खुशनसीबी है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। ये क्या है, नियम तुम नहीं बनाते हो लोकार? पलहुडियन मेरी है, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। अगर तुम्हें लड़ना ही है लोकार, मेरा चैलेंज कबूल करो। मेरे कायरू क्यूब और तुम्हारे ड्रैगन ड्रैकिलार के लिए लड़ते हैं। नियम के मुताबिक तुम लोगों के बीच होने वाला है एक मास्टर शोडाउन। ठीक है, चुनौती मंजूर है। चिंता मत करो काय, मैं संभालता हूँ। स्टैटिक ऑर्ब, लाइटनिंग ब्लेड, हम कैसे लड़ सकते हैं ऐसी चीज से जो रोशनी से बनी हो? मास्टर बी ने हमेशा यही कहा है, चाहे रास्ता कोई भी हो, मंजिल हमेशा मिलती ही है। माफ करना, मैं नहीं मानता। मास्टर डॉग की सलाह कभी इतनी अजीब भी नहीं होती। बहुत आसान है, हम रोशनी का मुकाबला रोशनी से करेंगे। कहना आसान है लेकिन Reflecting shot! ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? वही है, ये प्रिज्म कायरू है, वही जो हमें चाहिए। और वो भी ठोस, जैसे एक बहुत ही अलग किस्म की शक्ति। और जब ये हमारे पास है तो हमें कोई नहीं हरा सकता, ना ही लोकार को हराने से और इस धरती को बचाने से। शोडाउन शुरू किया जाए। पलहुडियन ड्रैकुला, Thank you.
है बुडाई? डर के मारे हालत खराब हो गई? बिल्कुल नहीं लोकार, बल्कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। तुमने हमेशा अपनी शक्ति को जरूरत से ज्यादा समझा बुडाई। अब मैं दिखाऊंगा सबको मैं कितना शक्तिशाली हूँ। Shadow Warriors! Master Budai! Jeet aapki hi hogi, Master! और अब वक्त है तुम्हें फिर से इंसान बना के नीचे जमीन पर लाने का। नहीं! Lucas Void! Ready for Rage! Lucas Rage! Platinum Fire! Platinum Blade! Platinum Fire Blade! लोकार अब तुम्हारा खेल खत्म समझो। Platinum Fire! शोडाउन खत्म हुआ और विजेता है मास्टर बुडाई। काइरो क्यूब और टेकिलार दोनों आपके हुए। मैं ये जंग जरूर हार गया हूँ, पर इससे भी बड़ी जीत हुई है मेरी। बस एक बार मैं अपने प्लान पर अमल करूँ, कायरो हो जाएगा कि मुझे हराना नामुमकिन होगा। उजाले और अंधेरे का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। दुनिया में जितने भी शुद्ध कायरो हैं, वो शैडो कायरो में बदलते जा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए बुमा। काश कर पाते, पर शैडो कायरो के एंटीडोट के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहीं ये सच न हो जाए, हमारा कायरो योद्धा होने का वक्त शायद यही खत्म हो गया है। नहीं, योद्धा बनने का वक्त बस अभी शुरू हुआ है। हमारी कायरो शक्ति और भी शक्तिशाली बन गई है लोकार। गाय प्लैटिनम प्लैटिनॉइड। आखिरकार हमारी जंग खत्म हुई और शैडो कायरो भी। वाकई में जीत हमारी ही हुई और मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। आखिरकार हम कामयाब हो ही गए। लोकार को उसके किए की सजा दिलाने में हम सफल हो गए पिताजी। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए काय, तुमने जो कुछ भी किया ये तो बस कायरो के लिए जंग की शुरुआत है। एक ऐसी जंग जो मुझे किसी भी हाल में जीतनी है। मास्टर लोकार, वो चले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा लोकार शैडो कायरो का इतना गलत इस्तेमाल कर सकता है। वो कितना बुरा है। हाँ, उसके तो रग रग में बुराई है बूमा। हाँ ऐसा ही है, और इसीलिए उसे खोजना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
मैं लोकार को ढूंढने जाऊंगा मास्टर बी, बस आप हुक्म दीजिए। और मैं भी जाना चाहूंगा। अभी वक्त खोजने का नहीं है मेरे बेटे, अभी वक्त है मस्ती करने का। सही कहा, और मेरी स्वादिष्ट मिठाई से सबकी खुशी दुगनी हो जाएगी। तो जश्न का कारण क्या है ये तो बताओ। बूमर और माया ने प्रतियोगिता जीत ली, ये तो है पहला। और काय ने प्रिज्म कायरो लाके सबको चौंका दिया, ये दूसरा। बात प्रिज्म कायरो की हो रही है तो मास्टर बुड़ा है, ये नई एनर्जी हमारे भविष्य में क्या करेगी? भविष्य एक गंदी दलदल है बैलिस्टार, ये इतना आसान नहीं है। जैसा मैंने कहा, मास्टर डॉग की सलाह इतनी अजीब भी नहीं होती। मास्टर बी का कहना है कि कल किसने देखा है, आने वाले पल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो देखा, कोई आ रहा है। हाँ देखा देखा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्लैनेट से मुझे कोई मिलने आ रहा है। जब सब कुछ दाव पर लगा हो तब बड़े दुश्मन के लिए बड़े हमले जरूरी होते हैं। बूमर का राइटियस स्ट्राइक इनमें से एक तरह का कॉम्बो हमला है जो शैडो मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। मास्टर बी के पास सोलर फ्लेयर और प्लैटिनम स्ट्राइक था ट्रैकलर को मात देने के लिए।